और अब बात पीएम मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और दिवाली के पर्व को लेकर केदारनाथ बाबा का धाम सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है बाबा केदार का मंदिर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जोरों से वहां पर तैयारियां चल रही हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और इसके तहत पीएम मोदी कल सुबह करीब 8 बजे बाबा केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे और निरीक्षण भी कर सकते हैं। कल सुबह 8 बजे केदारनाथ पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके आगमन से पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ आगमन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत की है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करने की बात कही थी। इसको लेकर बहुत देर तक सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों से बात की और इस दौरान सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। दरअसल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चलिए आपको सीधा केदारनाथ ही लिए चलते हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी विनोद वहीं केदारनाथ में मौजूद है, उनके पास चलते हैं। विनोद, तैयारियां वहां पर जोर शोर से चल रही हैं, कल प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे, दिखाइए हमें कि क्या विशेष वहां पर इस बार किया गया। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दौरे को लेकर ली गई है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ केदार धाम में ही, जहाँ पर मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है। भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है और जो भी दर्शन है बाबा के द्वार पर, जो लोग दर्शन कर रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं, बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचेंगे और उसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में तमाम जितने पुनर्निर्माण कार्य हैं, जिसमें आस्था पथ है, पुलों का निर्माण है, घाटों का निर्माण है और उसके अलावा महत्वपूर्ण यह है कि जो 2013 में हो गई थी, तबाह हो गई थी, उसका वो उनका अनावरण करेंगे और इसके जितने कार्य है उसका कल यहीं से राजेंद्र बात है कि लगातार जितने भी कार्य इस केदार घाटी में पुनर्निर्माण के हो रहे हैं लगातार खुद मॉनिटरिंग अपने आप ही प्रधानमंत्री लगातार है और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और तमाम कार्यों का शिलान्यास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो तमाम जितने भी देश के अलग अलग 11 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, भीमा शंकर है, ओमकारेश्वर है, सहित 11 ज्योतिर्लिंगों में सीधा प्रसारण यहीं से होगा। और इसके अलावा देश के तमाम 90 के करीब शिवालय हैं, उन पर भी इसका प्रसारण होगा और करीब उत्तराखंड के 10 शिवालय हैं जहां पर इस पूरे कार्यक्रम का भव्य तरीके से प्रसारण होना है। और आप देखिए हैं कि परसों कपाट बंद होंगे, उससे ठीक पहले श्रद्धालुओं का तांता इस केदार धाम में लगा हुआ है और लगातार अभी भी जितने श्रद्धालु हैं बारी बारी से अपना बाबा केदार के धाम में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं और महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है तो पूरी व्यवस्था बेहतर है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं, तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। ऐसे में ये जरूर माना जाए कि जो पुनर्निर्माण कार्य थे, जिसमें आस्था पथ है, पुलों का निर्माण है, घाटों का निर्माण है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण है, सहित तमाम ऐसे कार्यों का कल शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री केदार धाम पहुंचकर करेंगे। इसके अलावा जितनी भी सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए पूरे केदार घाटी को सुरक्षा व्यवस्था को चाक